सेलिब्रिटी और यूट्यूबर कम्युनिटी में जो वार चल रहा था बाहर, आप अंदर थे, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? भाई मेरे हिसाब से सब इक्वली मेहनत करते हैं एंड मेरे को पता चला शो में कुछ लोग ऐसे कहते हैं यूट्यूबर ये क्या, हां वही वही, तो देख लो यूट्यूबर ने क्या कर दिया, आग लगा दिया यूट्यूबर ही ट्रॉफी लेके आया, यूट्यूबर ही रनर अप है। सही बात है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए अभिषेक मल्हान कहा, मैं बहुत खुश हूँ मेरा भाई ट्रॉफी जीता है। जी हाँ, बिग बॉस OTT सीजन 2 के फिनाले के समय ही अभिषेक मल्हान की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अब आखिरकार उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुआ है। आपको बता दें कि बिग बॉस OTT सीजन 2 में ट्रॉफी के लिए अभिषेक मल्हान और एलविश यादव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होने के बावजूद भी एलविश यादव ने अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वहीं बिग बॉस के फिनाले से ठीक पहले अभिषेक मल्हान की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। फिनाले के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल वापस ले जाया गया। बीते कई दिनों से फैंस अभिषेक की स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब जाकर फैंस की एक अच्छी खबर सामने आई है, अभिषेक मल्हान को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और वो दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से भी वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिषेक मल्हान अस्पताल से बाहर निकलते हुए दिखे। वो कहते हैं, अब घर की याद आ रही है, मम्मी पापा तो साथ में हैं, लेकिन भाई और बहन से मिलना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा भाई ट्रॉफी जीता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अभिषेक एयरपोर्ट पर अपनी मम्मी पापा के साथ भी नजर आए, जहाँ पेपराजी उन्हें घेर लिया और फोटोज भी क्लिक करने लगे। सोशल मीडिया पर अभिषेक के फैंस उन्हें खुलकर भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस पर क्या कहना है आपका? इतनी औकात नहीं है मेरी जितना मेरे को प्यार मिल रहा है जी। मैं इतना प्यार जो दे रहा है, स्क्वायर में कभी आई होप मैं रिपे करता हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, लोगों को इतना प्यार में दे पाऊँ।